हेलो फ्रेंड्स, कैसे हम सब। मेरा नाम पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक राजू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐप की जिसकी हेल्प से आप जो अपने उधार खाते को बड़ी आसानी से डिटेल तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकते हो। तो इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको इसमें अपने कस्टमर जो है वो ऐड करने हैं और कैसे आपको उनका क्रेडिट जो है वो ऐड करना है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस ऐप की हेल्प से आपका जो है वो जो उधार खाता है जो बहुत ही आसानी से मेंटेन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे। जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ओके क्रेडिट। जैसे आप जो सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली आपको जहाँ से इनसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैं तो जहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आपको सिंपली इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा इसमें जो साइन अप वगैरह करना होगा, तो मैंने सब कुछ कर दिए हैं। उसके बाद और जैसे ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पे अपना आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा, उसके बाद आपको जहाँ पे ऐड कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ से जहाँ पे अपने कस्टमर जो है वो ऐड कर देने हैं जिसको कि आपने जो है वो उधार दिया होगा। तो सिंपली मैं जहाँ पे एक कस्टमर ऐड करता हूँ, जैसे मैं जहाँ पे लिखता हूँ रोहित और जहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद आप जहाँ पे उसका फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल उसका फ़ोन नंबर नहीं लिखने वाला हूँ। मैं जहाँ पे स्किप करता हूँ और उसके बाद जहाँ पे मैंने उसको कितना उधार दिया है वो जहाँ पे मैं करता हूँ गिव क्रेडिट वाले ऑप्शन पे। और जहाँ पे मैंने उसको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है 100 रुपये का उधार। और जहाँ पर आप नीचे जो है जहाँ पर जो है फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो और जहाँ फिर आप जहाँ पे लिख भी सकते हो कि किसका आपने उसको उधार दिया। जैसे मैं जहाँ पे लिखता हूँ मैंने उसको उधार दिया है बैट का, यानी मैंने उसको 100 रुपये का बैट दिया है। तो मैं जहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं जहाँ पे जो है वो 100 रुपये का उधार मैंने उसको जो दिया है वो जहाँ पे ऐड हो गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे जहाँ पे एक कस्टमर ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे अपने कस्टमर जो है वो ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको जो है वो डेली जो है वो नोटबुक में नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपका जो फ़ोन गुम भी हो जाता है या फिर आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है, सिंपली आपको दोबारा प्ले स्टोर से आपको किसी भी फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल करना है और अपना नंबर जहाँ पर ऐड करके आपका जितना भी रिकॉर्ड होगा वो दोबारा से फाइंड हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे इसे यूज़ करना है। अब मान लेते हैं कि रोहित मेरी दुकान पे आया और उसने मेरे को जो है वो मेरे से जो 100 रुपये का उधार लिया था और उसने मेरे को 50 रुपये दे दिए। तो जहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 रुपये मेरे को उसने कैश दे दिए, तो मैं जहाँ पे टिक करता हूँ और जहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड जो है वो इंटर करना होगा। तो जब आप जहाँ पे अकाउंट बनाएंगे उसके बाद जहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, तो जहाँ पे मैं जल्दी से अपना पासवर्ड जो है वो ऐड कर लेता हूँ और जहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 100 रुपये का उसने उधार लिया था, 500 रुपये मेरे को कैश दे दिया गया। अब उसका बैलेंस जो है वो 500 रुपया 50 रुपीज़ जो है वो ड्यू रह गया है। अगर आप उसका नंबर ऐड करते हैं तो उसके नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि उसके जो है वो 50 रुपये जो है वो उसने दे दिए हैं, बाकी उसके 50 रुपीज़ अभी भी जो है वो बैलेंस है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे जितने भी अनलिमिटेड जो है कस्टमर जहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैं एक और कस्टमर ऐड करता हूँ, जैसे राम ऐड करता हूँ जहाँ पे मैं, और ओके कर देता हूँ, उसका फ़ोन नंबर भी है जहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल स्किप करता हूँ। उसके बाद जहाँ पे क्रेडिट मैं उसको देता हूँ, मैंने उसको 500 रुपये का उधार दिया है। और जहाँ पे आप लिख भी सकते हो किस किस चीज़ का आपने उसको उधार दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको राइस दिए 5 kg और दाल दी 2 kg, ऑयल दिया 3 kg, सोप दिया 2 kg। तो जहाँ पे टिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस चीज़ के उसके जो पैसे में 500 रुपये बना है इन चीज़ों का। और ये मेरा कस्टमर एक और जहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद अब देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे 2 कस्टमर ऐड हो चुके हैं जो कि इससे मुझे 500 रुपीज़ अभी लेने हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से जहाँ पे जो अपने खाते को मेंटेन कर सकते हो। तो इसके बाद आप जहाँ पे अपनी जो डिटेल भी ऐड कर सकते हो।
अगर हम जैसे उसके बाद अगर आपको राम ने जो पेमेंट जो है दे दिए तो सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पेमेंट पे ऐड करना है और आपको राम ने 500 रुपये आपके जो उधार किया था वो दे दिया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है और आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं 0 रुपया ड्यू बैलेंस है उसका क्योंकि उसने मेरे को 500 रुपया दे दिए। इस तरीके से आपका जो पूरी रिकॉर्ड जो है उस पर रहेगा। तो अगर आप किसी कस्टमर को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस पर उसके नाम पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे डिलीट कस्टमर पे क्लिक करना है और जहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो डाल देना है और जहाँ पे रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका कस्टमर जो है वो जहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया ऐप है ये आप जो है वो इससे आपसे जो आप डेली जो है अपने खाते को मेंटेन कर सकते हो और आपका ये रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होने वाला है, चाहे भी आपका जो है वो अकाउंट डिलीट भी क्यों ना हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।